5G एंड कोरोना के मिथ के बारे में मैंने आपको मेरी लास्ट वीडियो में कंप्लीट जानकारी दे दी थी, राइट? एंड आज बात करेंगे कि 5G होता क्या है एंड 5G से कोरोना वायरस फैलना कंप्लीटली इम्पॉसिबल क्यों है। हाँ, लेकिन ये समझने के लिए पहले आपको 5G टेक्नोलॉजी का कुछ बेसिक समझना जरूरी है, तो बिना देर किए लेट्स चेक आउट द इन्फॉर्मेशन। चलो, एक नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो हमारे लिविंग और वर्किंग का पूरा अंदाज ही बदल देगा। नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है कि किसी टेक्नोलॉजी का नया वर्जन। इसका मतलब कि 5G पहले से आई हुई 4G टेक्नोलॉजी का इंप्रूव्ड वर्जन है। मतलब 4G जिस तरह के रेडिएशन पे काम करती है उसी रेडिएशन फ्रीक्वेंसी पे 5G बेटर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। 4G की फाउंडेशन टेक्नोलॉजी पे 5G ज्यादा स्पीड एंड ज्यादा बेहतर डिवाइस कनेक्टिविटी देने के लिए बनाया गया है। 5G का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है स्पीड एंड दूसरा एडवांटेज है एक ग्रेटर परफॉर्मेंस इन नैरो बैंडविड्थ। बैंडविड्थ को समझने के लिए एक रोड या हाईवे को इमेजिन करिए। तो यहाँ बैंडविड्थ या रोड चाहे नैरो हो, पर 4G एंड 5G दोनों इसी रोड पर चलेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि 4G अगर नॉर्मल कार है तो 5G उसी हाईवे पे हाई स्पीड रेस कार की तरह परफॉर्म करेगी। तो अगर आज आप 4G के नेटवर्क पे एक इंटरनेट राउटर या हॉटस्पॉट कनेक्शन पे 4 डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं तो 5G कनेक्शन पे आप उसी नेटवर्क पे 10 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं एंड उनमें से किसी की भी स्पीड रिड्यूस नहीं होगी। साथ ही 5G के आने से शायद कुछ और डिवाइसेस भी लॉन्च हो सकते हैं, जैसे स्मार्ट टूथब्रशेस या मे बी सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी लॉन्च हो सकती है जो कि स्मार्टर टेक्नोलॉजी का स्मार्टर यूज कर सके। लोगों को इस वजह से भी 5G और कोविड का कनेक्शन नजर आता है क्योंकि टेक्नोलॉजी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करने की वजह से लोगों को ऑटोमेटिकली लगता है कि ये हेल्थ पे डायरेक्ट असर कर सकता है। वर्ल्ड में जो भी ऐसी टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है जो रेडिएशन पे काम करती है, उन सबको मॉनिटर करने के लिए एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके परमिशन के बगैर ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी को स्टार्ट होने का लाइसेंस ही नहीं मिलता, एंड वो है इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन, विच इज ICNIRP। ये एक रेडिएशन पावर का रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रेडिएशन बेस्ड टेक्नोलॉजी के लिए एक स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल गाइडलाइंस दे रखा है। 5G टेक्नोलॉजी को भी इसी गाइडलाइन के अगेंस्ट फुल्ली टेस्ट किया गया है एंड इसको पूरा सेफ पाने के बाद ही इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च परमिट मिला है। याद रखिए, यह ऑर्गेनाइजेशन किसी एक कंट्री के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आती। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मल्टीपल कंट्रीज के ग्रुप कंट्रोल में बनाया गया है। इस वजह से किसी भी एक कंट्री का इसमें एडवांटेज या पैसा देकर के टेक्नोलॉजी को पास करवाने का बिल्कुल भी चांस नहीं बनता। ये गाइडलाइंस भी आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है ताकि आप भी जाकर के ये गाइडलाइंस खुद चेक कर सके। 7 May 2021 को सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया या COAI, जिसके अंडर में भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो एंड वोडाफोन आइडिया जैसे नेटवर्क्स आते हैं, उन्होंने भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट अपने ऑफिशियल ट्विटर पे पब्लिश किया है। इसमें क्लियरली 5G स्पेक्ट्रम एंड कोविड में रिलेशन के मिथ को पूरी तरह से डिबंक किया हुआ है। सिर्फ यही नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने भी 5G जैसी रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड पे चलने वाले टेक्नोलॉजीज के लिए अपने गाइडलाइन सेट किए हैं। इंडिया में लॉन्च होने वाले हर टेक्नोलॉजी को ये गाइडलाइंस मानने जरूरी है एंड यकीन मानिए ये सेफ्टी गाइडलाइन ICNIRP की गाइडलाइन से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इसके साथ साथ पब्लिक में किसी भी मोबाइल टावर के आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को लेके कोई भी कंफ्यूजन है तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही यूनिक स्टेप लिया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके नेबरहुड में लगे मोबाइल टावर आपके एरिया के लिए डेंजरस है या आपको कुछ डाउट है उसके रिगार्डिंग, तो आप सिंपली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरंग संचार पोर्टल पे जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन उस टावर का EMF टेस्टिंग आपके सामने करेगा ताकि आपको पूरी तसल्ली हो जाए। तो इस तरह से आप अपने एरिया में मोबाइल टावर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लेके ऐसी किसी भी रूमर्स को शुरू होने से पहले खत्म कर सकते हैं। तरंग संचार पोर्टल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया फॉर योर कन्वीनियंस। अब जो ये बात समझना है वो ये कि 5G का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है एंड इसके रेडिएशन आखिर कैसे लेवल पे काम करते हैं। शायद ये इन्फॉर्मेशन आपको 5G के वर्किंग एंड इफेक्ट को समझने के लिए और क्लैरिटी दे सकता है। 5G तीन तरह के रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ पे काम करता है, लो बैंडविड्थ,
मिड बैंडविथ एंड हाई बैंडविथ। अब लो बैंड और मिड बैंड जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑलरेडी 3G एंड 4G में यूज हो रहा है। 5G इन्हीं बैंड्स पे स्पीड को और इम्प्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। रिमेंबर, ये सेम पुरानी हाईवे पे रेस कार का परफॉर्मेंस देगा, पर हाँ, जो 3G एंड 4G यूज नहीं करती वही 5G हाई बैंडविड्थ नेटवर्क को भी यूज करेगी, जो कि सुपर फास्ट स्पीड देती है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, हाई बैंडविड्थ नेटवर्क सुपर फास्ट स्पीड दे सकती है लेकिन बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकती, विच इज वाई हाई बैंडविड्थ नेटवर्क मोस्टली सिटीज में लगते हैं, क्योंकि इसको कनेक्ट करने के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर बहुत सारे इसके लिए छोटे छोटे सिग्नल्स की जरूरत पड़ती है। हाई बैंडविड्थ नेटवर्क बहुत ज्यादा दूर तक ट्रैवल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसके नेटवर्क बिल्डिंग के अंदर नहीं घुस सकते या स्किन के अंदर नहीं जा सकते। हाई स्कूल लेवल साइंस बुक से लेकर मल्टीपल एक्सपर्ट्स इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि लोअर फ्रीक्वेंसी के मुकाबले हाई फ्रीक्वेंसी बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे एक्सपर्ट्स सच एज US टुडे के कॉलमनिस्ट एंड द प्रेसिडेंट एंड चीफ एनालिस्ट ऑफ टेक्नेलिस रिसर्च कंपनी के मिस्टर बॉब ओडोनेल ने अपनी रिसर्च से ये बात क्लियर किया है कि 5G नेटवर्क हाई फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकती एंड इसलिए ही थोड़ी थोड़ी दूरी पे 5G के सिग्नल के टावर ना रहे तो किसी आदमी के साथ टकरा के या किसी बिल्डिंग से टकरा के ये बंद हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि हाँ, 5G की टेक्नोलॉजी को बनाने में चाइना से काफी इन्वेस्टमेंट हुआ है, पर आप ये बात भी समझिए कि 4G या 3G या उससे नीचे की टेक्नोलॉजी में भी चाइना से ही इन्वेस्ट किया गया था। सो चाइना इज अ बिग इन्वेस्टर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 5G से स्पेसिफिकली चाइना ने कोरोना वायरस को कोई लिंक किया हो। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है कि जिस वक्त 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया जा रहा था उसी वक्त कोरोना वायरस का पैंडेमिक वर्ल्ड में आया। ये भी ट्रू है कि कोरोना वायरस चाइना से आया, बट 5G का कोरोना वायरस से कोई लिंक नहीं है। इस पर मल्टीपल स्टडीज हो चुकी है एंड मल्टीपल लोगों ने इस बात को बार बार क्लियर भी किया है। 5G कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, एग्जिस्टिंग 4G टावर के अलावा भी 5G के टावर लग रहे हैं, लेकिन वो एग्जिस्टिंग 4G टावर के बगैर काम नहीं करेंगे। सो द पॉइंट इज कि इस टेक्नोलॉजी से कोई वायरस अगर आना होता तो बहुत पहले आ चुका होता, क्योंकि 4G एंड 3G वर्ल्ड में ईयर से एग्जिस्ट कर रहे हैं। यू अचानक से 5G के आने पर नए सिरे से वायरस का अटैक होना इम्पॉसिबल है। अब यहां तक तो आपने ये समझ लिया है कि 5G का नेटवर्क है क्या और ये किस तरह से काम करता है। इससे आपका 50% डाउट तो क्लियर हो ही गया होगा कि 5G नेटवर्क के लिए कोरोना को फैलाना पॉसिबल नहीं है। अब आइए एक बार क्विकली ये समझ लेते हैं कि कोरोना वायरस एक्चुअली है क्या एंड ये किस तरह वर्ल्ड में स्प्रेड हो रहा है, ताकि आपको बाकी 50% भी डाउट ना रहे कि कोरोना वायरस का 5G टेक्नोलॉजी के साथ कुछ लेना देना है। सबसे पहली बात तो कोरोना वायरस US में 1931 में चिकन्स में डिस्कवर किया जा चुका था। उस वक्त इस वायरस को इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस का नाम दिया गया था। सालों तक ये वायरस पे रिसर्च होता रहा एंड ये पाया गया कि पिग्स, व्हेल्स, डॉग्स, कैट्स एंड बर्ड्स में काफी तरह के कोरोना वायरस पाए जाते हैं, बट बैट्स यानी चमगादड़ में कोरोना वायरस सबसे ज्यादा तरह के होते हैं। इनफैक्ट 1960s से पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नहीं होने की वजह से इस वायरस के शेप को सही से स्टडी नहीं किया गया था, लेकिन 1966 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इस वायरस का एक्चुअल शेप देखा गया तो वायरोलॉजिस्ट ने यह बताया कि ऐसा लगता है जैसे एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर के चारों ओर स्पाइक्स बने हुए हैं, जिससे किसी राजा के सर के ताज जैसा वायरस का स्ट्रक्चर था। इसलिए 1968 में इंटरनेशनल कमिटी फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस ने नेचर मैगजीन में यह डिक्लेयर किया कि इस वायरस के क्राउन लाइक शेप की वजह से इसको कोरोना वायरस कहा जाएगा। इसलिए 2019 में जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड में फैला वो कोई नया वायरस नहीं था, वो कोरोना वायरस का एक टाइप था जिस वजह से उसे नोवल कोरोना यानी न्यू कोरोना का नाम दिया गया। इसका एक्चुअल नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम रिलेटेड कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के सिम्टम्स हमेशा से ही फ्लू टाइप रहे हैं। आपको ये अब तक बहुत अच्छे से पता है कि कोरोना वायरस का सस्पेक्शन भी अगर कोई हो तो उसको बुखार आना, सोर थ्रोट, चेस्ट पेन एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ये सारे सिम्टम्स आते हैं जो फ्लू सिम्टम्स से थोड़े ज्यादा एग्रेसिव वर्जन है। अगर ये डिसीज टेक्नोलॉजी या रेडिएशन रिलेटेड होता तो आपको आपके बॉडी के सेल में चेंज होने के सिम्टम्स दिखते, जो ज्यादातर कैंसर पेशेंट्स में दिखते हैं। इस केस में सबसे पहले आपको रैशेज आते या स्किन पर मार्क्स दिखते या अननेचुरल सेल डिविजन यानी कैंसर टाइप सिम्टम्स दिखते, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोस्ट केसेस ऑफ कोविड एसिम्टोमेटिक्स होते हैं, यानी
कोई सिम्टम्स ही नहीं होते। साथ ही जो थोड़े माइल्ड केसेस होते हैं उनको बुखार या चेस्ट पेन होता है, और जो सीवियर केसेस होते हैं उनको ट्रीटमेंट के 9 महीने बाद तक सिम्टम्स आ सकते हैं। तो इस चीज़ का 5G टेक्नोलॉजी से कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये डिसीज एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ग्रो करती है, रेडिएशन की तरह बिल्कुल नहीं। अगर आपको कोविड से लड़ना है तो आपको इस तरह के मिथ में खुद को उलझाना नहीं है। इस डिसीज को एक वायरस ने जन्म दिया है एंड ये वायरस ही इसको फैला रहा है, तो इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप कंटिन्यूसली खुद को एंड अपने आसपास वाले एरिया को डिसइंफेक्ट रखिए, मास्क का यूज करिए एंड खुद को भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बंद करिए। आपको इस वीडियो सीरीज में मैंने काफी सारे ऐसे रिसोर्सेज दिए हैं जिससे आपको कोविड के बारे में बिल्कुल सही जानकारी मिल सकती है। इन सारी वेबसाइट्स को जरूर विजिट करिए एंड मुझे बताइए कि क्या इस इंफॉर्मेशन से आप कोविड को बेहतर समझ सकते हैं। मैं एज यूजुअल ऐसे रियल एंड एसेंशियल टॉपिक्स पे वाइटल इंफॉर्मेशन लाता रहूंगा। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी।